हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विद न्यू ब्लॉग। मैंने अभी जस्ट एक वीडियो एंड किया है और अभी एक और ब्लॉग स्टार्ट कर दे रही हूँ मॉर्निंग में, क्योंकि फिर मैं बाद में ब्लॉग शूट करने लगती हूँ और स्टार्टिंग कर की नहीं रहती, इसलिए अच्छा नहीं लगता है फिर। तो मैं अभी एक ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आज है सैटरडे और अभी सुबह हो गई है और बस मैं अभी क्लीनिंग वगैरह करके नहाने जा रही हूँ, उसके बाद मिलते हैं आपसे। कहाँ जाओगी ब्रेकफास्ट करने? और शिवी सुबह से बोल रही है कि उसे बाहर जाके ब्रेकफास्ट करना है, मतलब बाहर जाना है जूस पीने के लिए। वो हमेशा एक जगह यहाँ पे अच्छा जूस मिलता है रेस्टोरेंट में, वहीं जाके ये पीती है कभी कभार। तो आज फिर से जाना चाह रही है और मैं जल्दी कभी बाहर का खाती नहीं हूँ कभी, मतलब शायद ही मैं कभी यहाँ बाहर का खाई हूँ, कभी नहीं खाती हूँ। लेकिन आज मैं सोच रही हूँ कि खा लूँगी बाहर का, इंडियन रेस्टोरेंट है तो देखते हैं। वहाँ पे नॉर्मल साउथ इंडियन मिलते हैं और नॉनवेज भी मिलती है, लेकिन सुबह के टाइम में नॉनवेज वहाँ नहीं रहती है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि आज मैं अभी वहाँ खा ही लूँगी फाइनली बाहर का। ठीक है, मैं जूस ही बस पी लूँगी। ठीक है, और आप क्या खाओगी? डोसा खा लेना आप। हाँ, हम लोग दोनों बस जूस पीने, पापा को खाने दो। अच्छा ठीक। शिवी छोटी थी तो पापा मुझे ले गए थे इंडिया में, और मुझे अरे जब मैं छोटी थी तो रानी बागी में पापा मैं अपने गायों के सिंह करो। क्या लोगी तुम? और कुछ नहीं तो खाली जूस ही पियोगी क्या? हाँ। पूरा ग्लास तक तुम पहुंच ही नहीं पा रही हो। मेकअप शिविका जब भी यहाँ आती है तो बस मेकअप एरिया देखते रहती है। क्या करोगी मेकअप करके? हाँ, क्या करोगी मेकअप करके? उसके बाद हम लोग अभी मॉर्निंग में ही आ गए थे मार्केट, थोड़ा बहुत निकले थे तो सब्जी वगैरह लेने के लिए, इसलिए वापस से फिर मुझे आने का मन नहीं करता। एक बार बाहर निकल जाओ उसके बाद फिर घर जाके दोबारा मेरे को बाहर कहीं यहाँ पे निकलने का मन नहीं करता है, इसलिए एक ही बार निकलती हूँ तो मैं सारा काम हो जाता है। तो हम लोग पहले वहाँ रेस्टोरेंट में गए, शिवी का जूस पी और उसके बाद हम लोग सब्जी वगैरह लेके अब घर वापस जा रहे थे। इधर बहुत गर्मी है इसलिए। बाहर कितनी गर्मी थी? कैसा लग रहा था? कैसा लग रहा था धूप में? बहुत गंदा। गर्मी के मौसम में तो आइसक्रीम खाने में मजा आता है। गर्मी के दिन में आइसक्रीम खाने में मजा आता है। बाहर का टेम्परेचर इतना हॉट है कि मैं आपको क्या बताऊं। आप थोड़ा सा भी अपनी गाड़ी से बाहर या घर से बाहर निकलोगे तो ऐसा लगेगा कि एकदम स्किन जल जाएगा, इतनी हाँ, गर्मी है। हम लोग को थोड़ा सब्जी वगैरह लेना था तो हम लोग उधर चले गए थे, फिर आए बाहर जैसे मार्केट से निकले तो लग रहा था कब घर पहुंचे। गाड़ी में भी इतनी गर्मी लग रही थी कि क्या बताऊं, मतलब घर पे तो समझो यहाँ पे जन्नत है और बाहर में एकदम जाना मुश्किल है गर्मी के टाइम पे। इस बारिश का तो कुछ अभी तक तो एक बार भी इधर बारिश ही नहीं हुई है हम लोग जब से इंडिया में आए हैं। इधर मॉनसून ऐसे भी थोड़ा लेट आता है इंडिया से कंपेयर में। शायद हम लोग जब पिछली बार आए थे तो जनवरी में इधर थोड़ी बहुत बारिश हुई थी, नवंबर में हम लोग आए थे और जनवरी में हुई थी, और अभी तो अगस्त का महीना है, मतलब बहुत गर्मी है यहाँ।
सुबह अभी सब्जी खरीदने चले गए थे बाहर, तो मैं सोची थी कि खाऊंगी लेकिन मुझे फिर मन नहीं किया। यहाँ पे एक चीज है, सब चीज तो बहुत अच्छा लगता है मुझे, लेकिन वेजिटेरियन हो आप तो यहाँ पे बाहर खाने का स्ट्रगल बहुत है, क्योंकि ज्यादा ऑप्शन बाहर मिलता नहीं है और उतना वेज रेस्टोरेंट भी कहीं पे नहीं है। मतलब कॉमन है सारा रेस्टोरेंट, आपको नॉन वेज वेज दोनों ही मिलेगा, तो मुझे उतना मन नहीं करता खाने का। और लेकिन शिवी जिद कर रही थी तो हम लोग आज चले गए थे, और ये खाई भी नहीं, जूस थोड़ा पी और मुझे, मैंने भी थोड़ा इससे वड़ा खा लिया था, लेकिन अभी तो मुझे भूख अभी भी लगी है क्योंकि मैं वहाँ पे ठीक से कुछ खाई नहीं। तो अभी मैं जल्दी से खाना बनाऊंगी। और शिवी तुम क्या खा रही हो अभी? आइसक्रीम क्या? अच्छा कोई बात नहीं, ये आइसक्रीम ली है मॉल में तो वही खा रही है। और अभी हो गया है शाम, बहुत दिनों से मुझे कुछ मीठा अच्छा खाने का मन कर रहा था, तो मैं आज ये गाजर का हलवा बना रही हूँ। और ये इतना सुंदर इसका कलर दिख रहा है रेड, इसमें रेड कलर इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने इसमें एक बीट मिला दिया है। और शिवी का मतलब जब से हम लोग इधर आए हैं, जब इंडिया में थे तो वो उतना नहीं देखती थी मोबाइल और नहीं बोलती थी ये खाना है वो खाना है, और अभी बस मोबाइल देखती है। और अभी 2-3 दिनों से उसने मोमो मोमो बहुत देख लिया है, तो वो बोल रही है बस कंटिन्यू मोमो बना दो मोमो बना दो। और इतना मेहनत है ये सब बनाने में कि क्या बताऊं, लेकिन यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैं ये शिविका के लिए मोमो बना रही थी और अपने लिए मतलब हम लोग के लिए गाजर का हलवा बना रही थी। तो एक साथ ही हो जाएगा तो हम लोग को फिर रात तक रात के खाने में आसानी होगी। और ये हलवा बस अब बनने ही वाला है, मतलब रेडी हो गया है पूरा इसका पूरा। जब तक गाजर का पानी और बीट का पानी पूरा सूख जाएगा और थोड़ा थोड़ा घी थोड़ा ऊपर आने लगेगा और थोड़ा ड्राई दिखेगा तो इसे मैं बंद कर दूंगी, लेकिन ये ऑलमोस्ट बन गया है। और मतलब मैं अभी 3-4 बजे के करीब बना रही थी, 3:30 बजे के करीब, और इतनी गर्मी मुझे लग रही थी कि मैं क्या बताऊं। मतलब दिन में यहाँ पे खाना बनाना मतलब बहुत गर्मी लगेगी आपको, अगर रात को बना लेते हैं और सुबह बना लेते हैं तब तो ठीक है, दोपहर में तो अगर आप 1 घंटा किचन में रहोगे तो पसीने से भीग जाओगे। लेकिन मैं अभी बना ले रही हूँ तो रात को मैं बस रोटी बनाऊंगी और हो जाएगा। मेरा ये हलवा बन के रेडी हो गया और ये देखने में इतना अच्छा लग रहा था सच में कि मैं क्या बताऊं, और खाने में भी उतना ही अच्छा लग रहा था और बिल्कुल भी बीट का टेस्ट नहीं आ रहा था। बहुत कोई को बीट पसंद नहीं है, तो मैं पहली बार ऐसा ट्राई की थी गाजर के साथ, लेकिन लग ही नहीं रहा था कि इसमें बीट मिक्स है, मतलब ये इतना अच्छा लग रहा था। और इधर मोमो भी मेरा रेडी हो गया था, मोमो को मुझे उतना शेप वगैरह नहीं आता तो जैसा आया था मैंने बस मोड़ माड़ के बना दिया, लेकिन ये भी बहुत अच्छा बना था, शिविका को बहुत पसंद आया। और वो वीडियो में देखती है तो वो स्पेशली बोली हुई थी कि मोमो की चटनी जरूर बनाना, भले खा नहीं पाए लेकिन बनाना। ए स्माइल करो, मुंह क्यों फुलाई हुई हो, चलो बाय करो बाय। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज संडे मॉर्निंग हो गया है और शिविका स्कूल चली गई है, मैं उसको अभी जस्ट स्कूल छोड़ के आई हूँ। और कल अचानक से मेरा फ़ोन उसको देते वक्त शिविका हम मांग रही थी फ़ोन, और मैं जब उसे पकड़ा रही थी और पकड़ाते पकड़ाते फ़ोन नीचे गिर गया था ज़मीन में और फ़ोन अचानक से ऑफ हो गया, मतलब गिर के बंद हो गया। मुझे लगा अब ये फ़ोन गया, ऐसे भी मेरा फ़ोन बहुत पुराना हो गया है, ऑलमोस्ट इस फ़ोन का 4 साल हो गया है, जब शिविका हुई थी उस टाइम ही ये फ़ोन मेरा न्यू आया था। और अब शिविका 4 साल की हो गई है तो फ़ोन का भी 4 साल हो गया है। इतने दिन में बहुत बार ख़राब होता है लेकिन फिर ये ठीक हो जाता है। कल अचानक से मैं वीडियो शूट भी कर रही थी, आधा शूट भी किया था ये वाली वीडियो, और उसके बाद दोपहर में ये गिर के पूरा बंद हो गया बिल्कुल भी, मेरे को लगा अब तो ये पूरी तरह से ख़त्म। शिविका बेचारी इतनी डर गई थी, वो भगवान जी से प्रे करने लगी थी, भगवान मम्मा का फ़ोन ठीक कर दो नहीं तो वो मुझे डांटेगी, बहुत ज़्यादा डर गई थी वो। लेकिन फिर मैंने उसे ज़्यादा नहीं डांटा, अगर डांटती तो बहुत रोती, थोड़ा ही डांटी थी फिर भी वो बहुत देरी तक रोई थी। फिर अचानक से क्या हुआ, मतलब मैंने चार्ज में लगा दिया फ़ोन और 4-5 घंटा बाद मेरा फ़ोन अपने आप मतलब जब ऑन किया तो ऑन हो गया, और उस टाइम पे ऑन कर रही थी तो नहीं हो रहा था, देखते हैं कितना दिन तक ये फ़ोन चलता है। लेकिन मेरे को लग रहा है जहाँ तक कि अब ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, पिछले साल भी इसका फ़ोन पूरा डिस्प्ले ख़राब हो गया था तो मैंने फिर इसका ये डिस्प्ले ओरिजिनल वाला चेंज करवा दिया था, तो ये 1 साल तक चल गया, 1-1.5 साल, अब लग रहा है ज़्यादा नहीं चलेगा। मेरे को टेंशन इस बात की हो गई थी कि इस बार मैंने 2-2 वीडियो बनाई है, जो कि इससे पहले वाली एक वीडियो बनाई है फ्राइडे की,
वो वाली वीडियो भी मैंने एडिट नहीं किया था, इसलिए मुझे टेंशन हो रही थी कि पता नहीं फ़ोन नहीं ठीक होगा, तो वीडियो भी बना लिया था दो और दोनों फिर बेकार हो जाएगा, पता नहीं कितना दिन लगेगा फ़ोन वीडियो रिकवर करने में, फिर अगर न्यू भी फ़ोन लेंगे तो ये सब रिकवर करने में टाइम लगेगा, तो इसलिए लेकिन अच्छा हुआ लकीली मेरा फ़ोन ठीक हो गया और मैं ये वीडियो फिर से शूट कर रही हूँ। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। फिर अचानक से फ़ोन कल शाम में ठीक हुआ था तो मैंने शाम को ये वीडियो शूट किया था और उसके बाद अभी कर रही हूँ और अभी ये वीडियो एंड कर रही हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इस ब्लॉग को लाइक करना और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, नमस्ते। हैप्पी रक्षाबंधन, आज रक्षाबंधन है और मैं अपने घर मतलब अपने भाइयों को बहुत मिस कर रही हूँ, क्योंकि ऐसा कोई भी साल नहीं गया है कि मैं रक्षाबंधन में अपने घर पे ना हूँ। पहली बार मैं इस बार यहाँ पे नहीं हूँ रक्षाबंधन में, पिछली बार भी मैं वहीं थी, तो इस साल मैं बहुत मिस कर रही हूँ। शिविका अभी जस्ट बस अपने पापा को उनकी बहन वाला राखी बांध के गई है स्कूल और मैं अभी स्कूल से वापस आ गई हूँ, तो अभी मैं ये सोच रही हूँ कि थोड़ा सा ये वीडियो क्लिप ले लेती हूँ रक्षाबंधन का, और अगर आज मैं अपना पुराना वीडियो अगर कोई डालूंगी तो उसमें साथ में ये अपलोड कर दूंगी। वैसे तो वो पुरानी वीडियो है लेकिन आज रक्षाबंधन था इसलिए ये छोटा सा क्लिप मैं रक्षाबंधन का उसी में एडिट कर दूंगी। तो हैप्पी रक्षाबंधन आप सभी को, बाय।